Welcome friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम 2017 का जो फर्स्ट पेपर था उसका सेट W के क्वेश्चन नंबर 31 से 36 तक को सॉल्व करेंगे जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 31 से 33 को सॉल्व करने के लिए यहाँ हमें एक टेबल दे रखा है. उस टेबल में हमें तीन आइटम दे रखे हैं, जर्नल, मैगजीन्स और बुक्स, और सेल रेवेन्यू दे रखा है लैक्स, लैक्स में लाख की वैल्यू है. ये सारी 2012 से 2015 तक की ईयर्स के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं. क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो 2015 में केवल बुक्स का जो रेवेन्यू था वो टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट था. तो देखिए, पहले तो हमें टोटल चाहिएगा 173 का, मतलब ये 2015 का जो टोटल है रेवेन्यू वो चाहिएगा. उसके बाद में हमें बुक्स का देखना पड़ेगा जो कि है 78. अब हमें ये बताना है जो 78 था वो 173 का कितना परसेंट है. तो नॉर्मली हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, 78 इंटू 100 डिवाइड बाई 173, तो हमारा आंसर 45.08 आ जाएगा. अब यहाँ प्रॉब्लम वाली बात ये है कि 173 और 78 का जो डिवीज़न है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक ये यूज़ कर सकते हैं कि इसको राउंड ऑफ कर लें. 78 के प्लेस पे हम लिख लें 80 एंड 173 के प्लेस पे हम लिख लें 170. इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना कंपैरेटिवली 78 और 173 के इजी रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47. अभी 47 वैल्यू हम यहाँ पर देखें तो वो 45 के अप्रॉक्सीमेट है, तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो सही होगा. क्वेश्चन नंबर 32, कितने वर्षों में कम से कम दो मदों की श्रेणियों में राजस्व में वृद्धि हुई है. यह हमें 2012 टू 15 तक में ये बताना है कि कितने ईयर में, जैसे वृद्धि 2012 से 13 को देखें तो ऐसे कितने ईयर्स हैं जिनमें कम से कम दो आइटम्स, या तो जर्नल या मैगजीन, या मैगजीन या बुक्स, ऐसे करके किन्हीं कम से कम दो आइटम्स में तो वृद्धि हुई है. अब सबसे पहले 2012 से 13 का देखते हैं, जर्नल, मैगजीन और बुक्स का, तो 46 टू 47 यहाँ वृद्धि हुई, 31 टू 39 में भी वृद्धि हुई, 73, 77 में भी वृद्धि हो रही है. ये सारी वैल्यूज़ इन सारी वैल्यूज से बढ़ी हुई हैं. अब नेक्स्ट 13 टू 14 देखते हैं, 47 से 45 जाने पर क्या हुआ, ये डिक्रीज़ हो गई, पर 39 टू 46 और 77 टू 78 जाने पर ये दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं. तो अभी एक ईयर मिल गया और दूसरा ईयर, दो 13 और 14 ईयर्स हमें मिल गए जहाँ पर कम से कम दो में, यहाँ देखिए दो में वृद्धि हो रही है और यहाँ तीन में वृद्धि हो रही है, तो कम से कम दो में वृद्धि वाले हमें दो साल मिल गए. अब 2014 से 15 में गए तो 45 से 44 हो गया, डिक्रीज़ हो गया, 46 से 51 फिर से इंक्रीज़ हुआ, पर 78 का वो 78 रहा, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं हुए. तो हमें दो ईयर्स मिले 2013 एंड 14 जिसमें वृद्धि हुई है. तो हमारा आंसर जो करेक्ट है वही है थर्ड, कि केवल टू ईयर्स ऐसे हैं जिसमें राजस्व में कम से कम दो आइटम्स में वृद्धि हुई है. क्वेश्चन नंबर 33, यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी हो तो वर्ष 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होनी चाहिए. यहाँ देखिए पूछा गया है कि 2014 से 15 में जितनी वृद्धि हुई है, यानी कि 169 और 173 जो ये वैल्यूज़ हैं, तो 169 से 173 बढ़ने में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही वृद्धि अगर 2015 से 16 में मानी जाए तो 2016 की जो रेवेन्यू है वो कितना होगा लगभग. तो पहले तो हमें इनका डिफरेंस पता करना पड़ेगा जो कि आ गया 4. अब 4 जो है वो 169 का कितना परसेंट है, ये देखने के लिए हम इस वैल्यू का यूज़ करेंगे, फॉर्मूले का, 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 169, तो हमारा आंसर आ गया 2.4. अब 2.4 वृद्धि ही 2016 में होनी है 2015 से. अब हम 173 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 102.4 में, तो जो हमारा आंसर है वो आ गया 177.152. अब ये तो हमारा हो गया प्योर मैथमेटिक्स वाला. अब शॉर्ट ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, 4 इंटू 100, 179 की जगह हम ले लेंगे 169 की जगह 170, क्योंकि ये वैल्यूज़ ज़्यादा अंतर नहीं है और हमें अप्रॉक्सीमेट बताना होता है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 2.3. अब 2.3 को सॉल्व करना है, यहाँ पर 102.3 आ जाएगा, तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 100, तो ये सीधे सीधे कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 173.
पर प्रॉब्लम ये है कि इन ऑप्शन में 173 हमारे पास नहीं आ रहा है, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ अप्रॉक्सीमेशन से ली हैं। पर देखिए, जो यह ऊपर वाली वैल्यू जो 100 है, वो हमने क्या कर दी, इस वैल्यू को हमने कम कर दिया। 1024 हमें रखना था, उसकी जगह हमने 100 रखा, तो ये वैल्यू हमने हमारी कम हो गई। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होती और अगर हम 102.4 रखते, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी 173 है वो और इंक्रीज होके ही आती। इसलिए 173 से जो बड़ी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी लगभग, वो हमारा सही आंसर होगा। इसलिए यहाँ पर हमारी वैल्यू 177 है, वही हमारा करेक्ट आंसर होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले 34 से आगे तक के क्वेश्चंस के लिए हमें यहाँ पर फिर से एक टेबल दे रखा है। टेबल में हमें क्या दे रखा है कि कुछ नंबर ऑफ MCA स्टूडेंट की एवरेज, गुड और एक्सीलेंट, कितने बच्चे एवरेज, गुड और एक्सीलेंट के अंतर्गत आते हैं, जिसमें मेल और फीमेल को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। अब इन्होंने एक डाटा पूरा फिल किया था टेबल, बट किसी कारण से जो इनका कंप्यूटर डिस्क था वहाँ से कुछ डेटा उड़ गया, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ब्लैंक हमारे को टेबल दे रखा है, ये सारी वैल्यूज़ उड़ गई। केवल 30, 10 और 32 इतना वैल्यू बचा। अब वहाँ के जो टीचर्स थे, उन्होंने कुछ अपनी कमेटी के बेसिस पे ये रिजल्ट निकाले कि आधे छात्र या तो उत्कृष्ट या उत्तम थे, 40% छात्र महिलाएँ थीं, और थर्ड निकाला कि पुरुष छात्रों में एक तिहाई औसत स्तर के थे। अब इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें अपनी टेबल को फिल करना ज़रूरी है। इस टेबल को फिल करने के लिए हमें ये ऊपर जो तीन ऑप्शन दे रखे थे, इन तीनों को देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला हम यूज़ करेंगे 40% ऑफ द स्टूडेंट वर फीमेल्स, कि जो 40% जो स्टूडेंट हैं वो फीमेल हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 32 वैल्यू दे रखी है फीमेल की, तो 32 जो है वो टोटल जितना होगा उसका 40% है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 32 × 100 / 40, तो जो आंसर आया 80, वो हमारा टोटल जितने भी स्टूडेंट थे उनका नंबर आ गया कि टोटल स्टूडेंट 80 थे MCA के। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फीमेल आ गया, फीमेल का नंबर आ गया, टोटल पता चल गया, तो यहाँ से हम मेल पता कर सकते हैं। 80 - 32 = 48 हमारे मेल का नंबर आ गया कि 48 मेल्स होंगे। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट वर एवरेज, कि उसमें से जितने मेल स्टूडेंट हैं, जैसे कि 48 मेल स्टूडेंट हैं, उसका एक तिहाई हिस्सा एवरेज स्टूडेंट है। तो 1/3 किया 48/3, तो आंसर आया 16। तो हमारे एवरेज स्टूडेंट हो गए वो 16 हो गए। अब 16 + 10 प्लस कुछ वैल्यू, वो हमारा टोटल के बराबर होगा 48 के। तो यहाँ से हम गुड मेल स्टूडेंट का भी पता कर सकते हैं, जो कि हमारा आंसर आ गया 22। हमने यह क्या किया, बस 48 में से 16 एंड 10 को ऐड करके माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 22। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसको, देखिए 8 हमारा आंसर कैसे आया, 30 में से 22 माइनस कर दिया तो 8 आ गया, क्योंकि ये एक टेबल दे रखा है, इसके रोज़ का सम और इसके कॉलम्स के सम के बेसिस पे हम अपने आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला हम यूज़ करेंगे, हाफ द स्टूडेंट वर आइदर एक्सीलेंट और गुड, उन्होंने कहा कि जो टोटल स्टूडेंट या 80 हैं, उसके आधे स्टूडेंट या तो गुड है या फिर आइदर गुड और एक्सीलेंट, या तो गुड है या एक्सीलेंट है। तो गुड में हमारे केवल रह गए 30, तो 30 में प्लस 10 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 40। 80 का आधा हो गया 40 स्टूडेंट एक्सीलेंट और गुड मिलाकर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। बचे हुए 40 वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ एवरेज स्टूडेंट की टोटल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 10 था और ऊपर भी 10 था, तो ये वाली वैल्यू फिल करने के लिए हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसी के बेसिस पे हम जो फीमेल एवरेज स्टूडेंट हैं उसका पता कर लेंगे, जो कि हो गया 32 - 8 = 24। अभी हमारा टेबल पूरा फिल हो गया है, अब हम आगे के क्वेश्चंस अपने देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कितनी महिलाएं छात्राएं उत्कृष्ट हैं, तो ऐसी महिलाएं जो एक्सीलेंट हैं वो है हमारे पास 0, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 35, महिला छात्राओं का कितना अनुपात उत्तम है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि महिला छात्राएँ जो कि हैं 32, उनमें से कितना अनुपात उत्तम
यानी कि गुड, जो 8 है वो 32 का कितना रेशियो रहेगा? तो हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 8/32, जो कि हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 0.25। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 है। 0.25 रेशियो जो है छात्राओं का वो उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तम छात्रों का लगभग कितना अनुपात पुरुष है? यहाँ पर हमें उत्तम छात्र यानी कि जो गुड मेल स्टूडेंट उनकी बात हो रही है, वो है हमारे 22। अब उसमें से उत्तम छात्र टोटल है हमारे पास 30, तो जो 30 है 30 का कितना परसेंट 22 है हमें ये बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 22 का डिवाइड लगाएंगे 30 से और आंसर हमारा आ गया 0.73। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 0.73। पर अब फिर से 22 का डिवाइड लगाना 30 में बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम ये कर सकते हैं 22 की जगह 20 लिख सकते हैं और सॉल्व करके 2/3। आई होप 2/3 को सॉल्व करना बेटर रहेगा। 0.7 आंसर आ गया, जो कि अप्रोक्सीमेट हमारे 0.73 के बराबर है, तो हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आगे की वीडियोज़ को देखने के लिए, सॉल्यूशंस को देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।